भारत की थोड़ी सी देर की वजह से आज लक्षद्वीप भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का पार्ट होता। शायद यह सुनने में अनबिलीवेबल लगे, लेकिन यही सच है। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1947 के बाद से, जब भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय एक मुस्लिम मेजोरिटी का आर्किपेलागो यानी लक्षद्वीप इग्नोर रह गया। और क्योंकि यह जगह मुस्लिम मेजोरिटी होने के साथ स्ट्रेटेजिकली काफी जरूरी थी, इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जानते थे कि पाकिस्तान इस एरिया पर जरूर अपनी नजर गड़ाए बैठा होगा। इसी प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ जैसे ही इस बात की भनक सरदार पटेल को लगी, उन्होंने तमिलनाडु के मुदलियार ब्रदर्स को त्रावणकोर के लोगों के साथ फौरन अपने हथियारों के साथ लक्षद्वीप की ओर ट्रैवल करने को कहा। और सरप्राइजिंगली जब मुदलियार ब्रदर्स और उनके साथी वहां पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि पाकिस्तानी शिप भी लक्षद्वीप की ओर आ रही है। लेकिन फिर भी भारत ने अपना तिरंगा इस छोटे से आइलैंड्स पर पाकिस्तान से पहले फहराया और पाकिस्तान को हमेशा की तरह मुंह की खानी पड़ी। तो दोस्तों, इस अमेजिंग स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपने स्टोरीज पर भी जरूर लगाएं। थैंक यू सो मच।